महफिल में तो सब है लेकिन जाने महफिल कौन किसी को क्या मालूम। महफिल में तो सब है लेकिन जाने महफिल कौन किसी को क्या मालूम। सबका दिल तो मैं हूँ लेकिन मेरा है दिल कौन किसी को क्या मालूम। ओहो बदलनी चाहिए। जब से हमने उसकी अहमियत को उस पर जाहिर कर दिया, बेसबब वो कब फिरा करता है इतराया हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। ग्लोबल टुडे के अंदर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अलग अलग तरह के और अलग अलग खुशबुओं के फूल मौजूद हैं, एक ऐसा गुलदस्ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग शोबों में अलग अलग तरीके के लोग फनकार मौजूद हैं। और हिंदुस्तान तो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुँचता है यकजहती का, और अलग अलग खुशबुओं से जो एक कंबाइंड खुशबू बनती है उसको, उसका जो पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचता है वो अपने आप में अनोखा है, निराला है। लेकिन हम कोशिश करते हैं बीच बीच में कि भाई आप तक वो जो फूल हैं उनकी खुशबू किस तरीके से पहुँचे। तो पहचान होती है किसी भी चमन की उसके फूलों से और उनकी खुशबुओं से। ये एक बड़ा शायराना किस्म का अंदाज है जिसकी वजह से मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे एक अदब गाह के अंदर कि जो पूरी दुनिया में रामपुर के नाम से मशहूर है। और बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी जगह की अहमियत या तो वहाँ के रहने वालों से होती है, या वहाँ के कल्चर से होती है, या वहाँ के अदब से होती है। और कल्चर और अदब के का जो इम्तिजाज है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि या तो वहाँ की शायरी है, या वहाँ के मौसीकी है, या वहाँ किस तरीके के अदीब रहते हैं और वो किस तरह का बर्ताव करते हैं समाज के साथ में और समाज को क्या देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए रामपुर पूरी दुनिया में मशहूर है। वो कि बहुत छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनकी चमक पूरी दुनिया को मनोवर करती हुई नज़र आती है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो वैसे कोई मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक रस्म है इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो ऐसे स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, या हमारे चैनल को जो पहली मर्तबा, उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि सखावत हुसैन खां साहब निशात, अब हम उनको रामपुरी कह दें लेकिन वो आफाकी शख्सियत हैं। वो एक ऐसा सरमाया है जो पूरी दुनिया के लिए है, और मौसीकी की क्योंकि कोई ज़बान नहीं होती इसलिए वो सबके प्यारे हैं और सब उनसे प्यार करते हैं। प्यार नहीं है इससे पहले के उनसे बातचीत शुरू करें, थोड़ी सी उनके सिलसिले में गुफ्तगु करना चाहता हूँ कि रामपुर म्यूज़िक के अंदर और मौसीकी के अंदर एक ऐसा घराना है जिसने 1774 के बाद जब ये रामपुर रियासत बनी उसके बाद में जब यहाँ पर सारे फनकार जमा होते रहे, 1857 का गदर हुआ, दिल्ली उजड़ गई और अवध उजड़ गया, उसके बाद में एक सुकून की कोई जो जगह थी वो रामपुर थी। और उस सुकून की जगह पर
ऐसे लोग जिनको परेशानी और उलझनों का सामना हुआ बड़ी रियासतों में, वो सब रामपुर में आकर बस गए। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के उमरा ने, यहाँ के नवाबीन ने उनकी बहुत पज़ीराई की और उनके फ़न की कदर की और उनको वही अहमियत दी और उनके साथ में बहुत रवादारी का सलूक किया जो उनको दूसरी जगहों पर हासिल था। लेकिन रामपुर एक ऐसा म्यूज़िक का घराना बन के उभरेगा ये किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। और मेरे ख्याल से आज रामपुर सहसवान घराना भी हम कहते हैं उसको, उसके चश्मो चराग जो हमारे साथ में सखावत हुसैन साहब मौजूद हैं, यानी रिवायत को देखिए कि वो अंदाज जो हमारे हम अपने बच्चों को अगर बताएं कि वो क्या अंदाज था, वो क्या लोग थे, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकायद हयात हम उनसे बात कर रहे हैं और उनको समझते, वरना तो हम कहानियों में बताते, किस्सों में बताते जैसे सुनते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें आज हम करेंगे भी और हम अपने श्रोताओं को और हम अपने देखने वालों को सब चीज़ें दिखा पाएंगे कि जो उन्होंने सिर्फ कहानियों के तौर पर सुनी होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करके मैं चाहूँगा कि ख़ुद सखावत हुसैन खां साहब से अगर हम बात करें, गुफ्तगू करें और वो अपनी ज़बान से जो चीज़ें बताएँगे उनकी बात और उनकी अहमियत कुछ और ही होगी। तो मैं सबसे पहले आपका सखावत भाई खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया नवेद भाई। अब आपकी तारीफ में तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पूरा एपिसोड ही निकाल दूँ, लेकिन अच्छा ही होगा कि आपकी ज़बान से लोगों को वो बातें मालूम हों जो रहती दुनिया तक उनको कुछ सबक भी मिले और कुछ उसका फ़ायदा भी पहुँचे। तो सखावत भाई सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि रामपुर में आपके ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है उसके बारे में कुछ बयान करें। जी ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपने जो चैनल का नाम लिया था अपना ग्लोबल टुडे। हाँ ग्लोबल टुडे के जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको मैं आदाब पेश करता हूँ। जैसा कि अभी नवेद कैसर साहब, ये मेरे भाई हैं छोटे, इन्होंने फरमाया कि किस तरह से रामपुर में मेरे अजदाद का यहाँ पे एंट्री हुई और किस तरह से वो तशरीफ लाए। हमारे पास जो तारीख है वो ये है कि अल्तमश बादशाह जो थे वो जिस वक्त हिंदुस्तान पर काबिज हुए और यहाँ आए तो उन्होंने अपनी राजधानी बदायूं को बनाया, डिस्ट्रिक्ट बदायूं जो है, जिसका सबूत वहाँ की जामा मस्जिद आज भी मौजूद है जो अल्तमश साहब की बनवाई थी। तो तारीख हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे जो अजदाद थे जो उनके साथ तशरीफ लाए थे वो हरावल दस्ते के लोग थे, जो हरावल दस्ता सबसे आगे चलता है, फौज के आगे चलता है, वो हरावल दस्ते के लोग थे। और उसके बाद में फिर वो यहीं पे बस गए, यहीं पे वो मुकीम हो गए और उनको उनकी खिदमात के सिले में अब जो डिस्ट्रिक्ट बदायूं की तहसील है उसका नाम है सहसवान, वो वहाँ पे बस गए, वहीं उनको ज़मीनें वगैरह दे दी गई और वो खेती बाड़ी भी अपनी करते रहे। लेकिन मौसीकी यहाँ की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और उस ज़माने के जो बड़े असातिज़ा थे उनसे उन्होंने तालीम हासिल करी। प्यार तब आएंगे।
भोले बने मैं बड़े बढ़िया मैं बड़े बढ़िया। रामपुर में नवाबीन ने जो नगीने इकट्ठे किए थे, वो चाहे शायरी के सिलसिले को हो, चाहे मौसीकी के सिलसिले हो, चाहे वो कुक्स हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो खाना बनाने वाले जो खानसामा लोग होते थे, किसी और राजा के यहाँ गए या बादशाह के यहाँ या जागीरदार के यहाँ गए, वहां कोई चीज अच्छी लगी, अरे भाई किसने बनाई, साहब इन्होंने बनाई, भाई ये मेरे साथ जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने लाके इकट्ठे किए, और आज रामपुर के खानों में जो टेस्ट है, बिल्कुल इसके वजह भी मैं नवाबीन को ही मानता हूँ। बिल्कुल सही है, हकीकत ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये पैटर्न उन्होंने जो पैटर्न दी फनकारों को और जो उनकी पुष्ट पनाही की एक तरीके जी, जी, जी। बल्कि अरे ऐसा था एक तरीके से वो खानदान का हिस्सा हुआ करते थे, बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो सारे पर्दे हिजाब उनके लिए कुछ नहीं थे, ना ना बिल्कुल, उनकी एंट्री हर वक्त उस तरह की चीजें थी, वो लोग आ जा सकते थे आराम से, जबकि किले में ये कहा जाता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, पर नहीं मार सकता, लेकिन और ज्यादातर मैंने देखा किले के आसपास ही उनको बसाया भी, हाँ किले के हर वक्त करीब में रहे, जिससे कि वो लोग कभी भी उनका दिल चाहे तो वो आसानी भी हो। जी हाँ जी हाँ, वो सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये कि जो हमारे नवाबीन की जो औरतें होती थी और जो उनका जो जिसको हरम कहते हैं, वो बलूज रखता था वहाँ, वो नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, और उनसे बाहर अगर कोई मैसेज भेजना है क्या तो खोजे सरा हुआ करते थे, ये वो तो तरीका मालूम है आपको, हाँ वो तरीका, लेकिन वो उन सिलसिले में भी बहुत सख्ती थी, स्ट्रिक्ट था नहीं, वो एक निजाम का हिस्सा, निजाम वो तो वो जरूर, किले के अंदर जब कोई खुशी होने वाली होती थी, कोई औलाद पैदा होने वाली होती थी, तो ये खबर बाहर फैलती थी, जब लड़का पैदा होता था तो एक तोप छोड़ी जाती थी, अच्छा लड़की पैदा होती थी तो एक तोप छोड़ी जाती थी, एक तोप हुई तो सबको पता चल गया कि भाई लड़की पैदा हुई है, और वो कोई लड़का होता था तो गालिबन शायद 7 तोपें छोड़ी जाती थी, कुछ ऐसा मैंने सुना है, तो वो अलग उसूल थे सारे। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ ये मौसीकी का को और शायरी को और किसको जो जो इन्होंने शेल्टर दिया, कैसे कैसे जैसे कि गालिब साहब तशरीफ लाए, राजद्वारा रोड पे अमीर मिनाई, गालिब अमीर मिनाई, दाग दिल भी खुद तशरीफ लाए, और उनके साथ तो बड़ा अच्छा वाकया भी। जी जी जी। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं, हाँ, कि सखावत हुसैन खान साहब ताज जी भी है, और ये हमारे ताज जी, ताज मतलब सर का ताज, नहीं नहीं, अच्छा ये एक हमारे, ये हमारे मोहब्बत वाला बच्चे हैं सब हमारे। जो दूसरी एक बात यह है कि इनका तखल्लुस भी है, और बड़ी खुशी की बात यह है, क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी मौसीकी के अंदर उसका अमल दखल है और इस हद तक उस्ताद की हद तक है, तो जाहिर है कि शायरी से वो नाबलद नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए वस्फ इनके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि शायरी भी वो कुदरती इनके अंदर, वो उसके अंदर कोई, मैं सवाल करूंगा आपसे जरूर, इस तरीके से आपने ये सब चीजें सीखी, शायरी भी जरूर किसी से सीखी होगी या खुद रहो, ये क्या होगी साहब, देखिए मैं अर्ज कर दूं कि हम अपने आप को खुशनसीब, निशात आपका तखल्लुस है, खुशनसीब मानते हैं हम अपने आप को कि हम रामपुर में पैदा हुए हैं, कि यहाँ मौसीकारों के साथ साथ शोरा हजरात इतने बड़े बड़े शायर हमारे रामपुर में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि वक्त के हिसाब से वो उसका जो जोर है वो कम है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर वो फरोग पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान अब निकल रहे हैं जो बेहतरीन शेर कहने वाले बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं, उससे हमें बड़ी खुशी है कि आगे इसको खुद परवरदिगार जिंदा रखे इस फन को। तो मेरे बहुत से शोरा दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनकी सोहबतें उठाई, उसके रुमूज को समझा, उसकी अल्फाबेट्स को समझा, और उसके अलावा ये कि बहूर को समझा हमने, बाईस बहूर है, शुतुरगुरबा क्या चीज होती है, जी जी, रदीफ काफिया कैसे है, काफिया के साथ रदीफ को चश्मा कैसे करना है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, गजल खाना, गजल ओढ़ना, गजल बिछोना, हमारा सब गजल ही गजल है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब उसमें जैसे मान लीजिए किसी लफ्ज में हम फंस जाते थे तो हमारे, हमें इस बात का शर्फ हासिल था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कुतुब खाना हमारे सामने, घर के सामने ही है, लाइब्रेरी या वहां चले जाते तो लुगत निकलवाते थे, एक गजल मेहंदी हसन साहब की है कि रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ,
उसमें एक लफ्ज आया कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए। अब लफ्ज पिंदार में उस वक्त हम फंस गए, ये क्या चीज है। तो मैं गया जाके बाकायदा लुगत निकलवाई, उस वक्त मेरे पास लुगत थी नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरा कुतुबखाना है। तो जब उसका मतलब समझ में आया तब जाके सुकून मिला, और फिर मतलब उस शेर का भी समझ में आया। पिंदार का मतलब आप जो हमारे देखने वाले हैं अगर ना जानते हो तो मैं अर्ज कर दूं, पिंदार का मतलब होता है कैपेसिटी। ये बर्तन है, इसका पिंदार इतना है, छोटा है, ये इसमें इतना सामान, ये इसका पिंदार बड़ा है, तो पिंदार कैपेसिटी को हम बोलते हैं। तो अब हमारी समझ में आया कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, मेरी मोहब्बत का इतना बड़ा जो जो कैपेसिटी है पिंदार है, तुम उसका भी कभी भरम, मैं ही तुझे मनाने आ रहा हूं यार, कभी तू भी आ जा मुझे मनाने। तो बड़ा आसान हो गया। वाह वाह वाह। तो इस तरह से, तो वो अब शायरी हम ना करें तो हमारे ऊपर लानत है। अच्छा, तो मैं एक सवाल आपसे छोटा सा इस दरमियान में करना चाहता हूँ कि एक तो होता है कि गायन विद्या हो गई जी, एक होती ताल विद्या। मैंने आपको ताल और लय के अंदर जिस तरीके का पाया है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है कि गालिबन आपने उसको भी बराबर से सीखा होगा। बराबर से सीखा भी है और ये अल्लाह की तरफ से एक अता भी है मुझे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए हमारी जो गजल गायकी है वो तीन चार ताले हैं, दादरा है, कहरवा है, रूपक है, बहुत कोई रेयर अगर है तो दस मात्रे में भी किसी ने को गजल गाली है, अदरवाइज तो यही तीन चार ताले हैं जिसमें हाँ, है। लेकिन ताले भी अगर हम टोटल करेंगे तो कम से कम 5,000 तो निकलेंगी, 5,000 ताले हैं। और अब कौन कौन सी यहाँ अलग अलग मात्राओं की हैं, इसका जो मैथमेटिक्स है ना था बहुत मुश्किल है, मौसिकी का मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। क्या बात है, हम जो तान कह के आ रहे हैं उसमें तिहाई हमें बना के लाना है, तो हम कौन सी मात्रा से उठ के आएंगे कि वहां तिहाई पे हम पहुंच जाएं। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बड़ा फन है, बहुत बहुत बड़ा फन है, तो कोई शक ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि यार ये इन तालों में तो सभी लोग गाते हैं, क्यों ना मैं अलग तालों में कुछ करूं। अच्छा, उस दौर में जगजीत सिंह साहब 5 मात्रे की गजल बना चुके थे, उन्होंने गाई, उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिली। फिर मैंने 9 मात्रे में पहली गजल बन 11 मात्रे में पहली गजल बनाई। क्या बात है, 11 मात्रे की ताल में गजल गाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन मैंने बनाई और ऐसी बनाई कि उसका कंटिन्यूएशन कहीं ब्रेक होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद फिर मैंने कहा जब 9 में मैंने बनाई, 11 में बनाई, तो 9 में क्यों नहीं, ऑड नंबर, ऑड नंबर, अगर मैंने 9 में भी बना लिया तो फिर मैं 13 में क्यों नहीं, और अगर मैंने 13 में भी गजल बना ली है तो 15 मात्रे में मैं गजल क्यों नहीं बना सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी तालों में गजलें बनाई और इतने फ्रेंडली अल्लाह के करम से मैं गाता हूँ, मेरी ताकत नहीं है। अच्छा, यहां मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहूंगा भाई, देखिए जितने भी बड़े बड़े असातिज़ा गुजरे हैं उनके पीछे किसी ना किसी आध्यात्मिक आदमी का हाथ जरूर रहा है, किसी बुजुर्ग का, किसी पीर का, वाह वाह वाह, उनका की दुआओं के सदके में उनका फरोग मिला है, चाहे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हो। बिल्कुल, जैसा कि बताया गया कि वो काली के मंदिर में बैठ के बजाते थे, उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दे दिए थे। क्या बात, मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब जो बरेली शरीफ में खानकाह आलिया नियाजिया है, हम वहां के गुलाम हैं, और हम उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब को इस बात के लिए भी याद करते हैं और दुआएं देते हैं कि परवरदिगार उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, कि उस दर से हमें वाबस्ता करा दिया। बहुत बड़ा दर है, तो उस दर जितने भी वहां के बुजुर्ग रहे और जो अभी मौजूदा हैं उनकी दुआओं से हम लोग को बहुत बड़ा फरोग मिलता है। क्या बात। तो इसी तरह से ये जो सिलसिला जो अध्यात्म वाला है, जब वो तब वहां से नहीं जुड़ता तब तक मैं समझता हूँ कि उसमें वो तरक्की नहीं होती। बहुत सारे ऐसे फनकार हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक लोगों से ही फायदा लिया, पीर फकीरों से ही उन्होंने हासिल किया। जैसे मिसाल के तौर पे आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं दे दूं कि ये अपना तानसेन साहब जी, जब ये पैदा हुआ तो इनका नाम मकरन पांडे रखा गया था। जी जी, पंडित थे, पंडित थे, और वहां ग्वालियर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत गौस। तो गौस साहब, इनके तानसेन साहब के जो वालिद थे वो इनके बड़े मुतकिद थे, उन्होंने कहा मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है साहब, लड़कियां तो हैं, तो आपने दुआ की थी तो पहले यही हुए थे पैदा। लेकिन इनका ये आलम हुआ कि जब इन्होंने होश संभाला तो ये घुटनों घुटनों चल के उनके पास पहुंच जाते थे,
जब ये चलने लगे तो पैदल पैदल जाके पहुंच जाते थे, तो उनके बाप परेशान होगा, उनका हुजूर ये हमारा नहीं है, आप ही का है, आप जाने आप वही अच्छा तुम्हारी और होगा। तो बाद में उनके दो बेटे और हुए थे, तो इनका उनको फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद वही बहुत बड़ा एक स्कूल था, बहुत बड़े कुछ गवैये थे, उनका इनको शागिर्द करा दिया था। अच्छा, वही के जंगलों में, ग्वालियर के आसपास के जंगलों में एक स्वामी हरिदास हुआ करते थे, जी जी, तो उनसे भी इस्तिफादा इन्होंने लिया। मेरा मकसद क्या है कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म इसका जो है मेन चीज है, उससे हटके हम जिसे उर्दू में हम तसव्वुफ कहते हैं। क्या बात, बिल्कुल। तो तसव्वुफ वाला मामला जो है वो जब तक इसमें शामिल नहीं होता, इसमें असर पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिए, मगर मैं अपने देखने वालों के लिए खास तौर पे बता दूं, मैं आपको वो देखिए क्लासिकल से शुरू किया और आप गजल तक आ गए, ये सफर आपने बातों बातों देखिए मैं खुद ही बता दिया। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ। पहले तो मैं जो सामईन है हमारे, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि गजल गायकी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन या चार ताले होती हैं, दादरा, कहरवा और रूपक में भी, झपताल में दस मात्रे में भी गजल गाई है लोगों ने, लेकिन और तालों में बहुत कम लोगों ने गाई है। एक एक्सपेरिमेंट है नया, जगजीत भाई ने पांच मात्रे में गाई थी, एक वो थे मीरगंज के थे लेकिन बॉम्बे में बस गए थे, यूनुस मलिक साहब, उन्होंने भी और तालों में गाई है। जी 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 जी। अब मैंने इसको डेवलप किया है, तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए जो सामईन है मैं उनको बताना चाह रहा हूं, 11 मात्रे का ठेका ये चल रहा है। देखिए मैं पहले गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धीना धीना धी धीना तीना तीना धी धीना धी। ये 11 मात्रे का एक सर्किल बना। क्या बात, इसको हम लंगड़ी ताल भी कह सकते हैं, इसमें वो ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, लेकिन गजल का कंटिन्यूएशन ना टूटे, ये ताल भी अपनी जगह चलती रहे, ये बड़ी बात है। वाह वाह वाह। तो अल्लाह पाक का करम हुआ, उसने जहन में डाला, मैंने बनाया, मैं हाजिर करता हूँ। जब से बुलबुल तूने बहुत जब से बुलबुल तूने बहुत जब से Thank you.
ये वो मतलब 11 मात्रे, इस तरह से 13 मात्रे में भी मैंने गाई। वाह, 13 मात्रे की गजल तो मैंने बाकायदा रिकॉर्ड भी की थी। वाह वाह, तो वो है। फिर 15 मात्रे में अभी रिसेंट मैंने गजल बनाई और उसके बोल मैं वैसे ही सुना रहा हूँ आपको कि महफिल में तो सब है लेकिन जाने महफिल कौन किसी को क्या मालूम। महफिल में तो सब है लेकिन जाने महफिल कौन किसी को क्या मालूम। सबका दिल तो मैं हूँ लेकिन मेरा है दिल कौन किसी को क्या मालूम। ओहो, बदल ही टेढ़ी है, क्या बात है। ये अतीक इलाहाबादी हमारे दोस्त थे। अरे वाह, इंतकाल हो चुका है, बहुत अजीज दोस्तों में से थे। ताजी अपना भी कोई शेर सुनाइए जिससे कि जी मैं हाजिर करने की कोशिश करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जब इसमें गया अरीब, जी 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 अरीब मियां, वहाँ एक रियलिटी शो चल रहा था, जी जी, तो इत्तेफाक ये हुआ कि यहाँ मेरी भतीजी उस्ताद शुजात सरदार की बच्ची की शादी की तैयारियां चल रही थी और वहाँ एक पेरेंट को साथ रहना जरूरी था। तो मैंने इनसे अपनी बीवी से कहा कि भाई आप चली जाइए। ये पहला मौका था कि जब मैं घर में हूं और वो बाहर। वाह, इत्तेफाक। तो तब वो जहन में कुछ शेर आए थे कि मतलब हुआ था कि दिल पे हिजरे यार के मौसम का यूं साया हुआ, दिल पे हिजरे यार के मौसम का यूं साया हुआ, एक सन्नाटा सा है अब जहन पे छाया हुआ। वाह, एक सन्नाटा सा है अब जहन पे छाया हुआ। शेर मुलादा करे कि हम जिसे कहते हैं दूरी असल में कुर्बत है वो। वाह, हम जिसे कहते हैं दूरी असल में कुर्बत है वो। हम जिसे कहते हैं दूरी असल में कुर्बत है वो। कद्र तब होती है जब हम खोए कुछ पाया हुआ। वाह 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 वाह, कद्र तब होती है वाह वाह जब हम खोए कुछ। अच्छा, इसमें एक शेर और सुना रहा हूँ, बाकी तो कई शेर हैं कि हमने उसकी अहमियत को उस पे जाहिर कर दिया। हमने उसकी अहमियत को सामाईन से भी गुजारिश शेर को देखें। हमने उसकी अहमियत को उस पे जाहिर कर दिया। बेसबब वो कब फिरा करता है इतराया हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बेसबब इस तरह से ये अशआर भी बड़ा बाबू। वाह वाह वाह, अल्लाह करवा देता है। जबकि ये एक अलग फन है, अलग मौसीकी एक अलग फन है, शायरी एक अलग फन है। बहुत बड़े सब्जेक्ट है ये दोनों, बिल्कुल, जिनका की कोई अंत ही नहीं है, जो उनका कोई है ही नहीं। मतलब दादी आपसे दिल चाहता है कि जनाब बैठ के बात करें और आपको सुनते रहे। वक्त की भी किल्लत है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूँ जनाब कि ये जो हम ध्रुपद से शुरू हुए या ध्रुपद धमाल से शुरू हुए, फिर हम ताल विद्या की भी बात हो गई, हाँ, और ख्याल गायकी आ गई, सब लोग वाकिफ हैं जी, उसके बाद में फिर वो गजल आ गई। अब जो इस वक्त माहौल है जनाब मौसीकी की, जो जो इरा कह लीजिए या मौसीकी का जो दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है? मतलब अब एक आपने वो दौर भी देखा, बीच का दौर भी देखा, अब जिस जगह हम खड़े हुए उसकी हकीकत, या उसको हम हिंदुस्तानी मौसीकी को मतलब किस तरीके से आपको लगता है, क्या हालात? बिल्कुल आप सही फरमा। देखिए मैं अर्ज करूं, दौर के साथ साथ वक्त के साथ साथ हर चीज बदलाव, ये तो हम जब से हम पैदा हुए तब से आज तक ये देखते ही चले आ रहे हैं कि आज कुछ और फैशन है, कल कुछ और हो जाएगा, आगे आने वाले पता चला फिर वो जो पहले वाला फैशन था वापस फिर आ जाएगा, हमने देखा है, बिल्कुल देखा, और ये होता चला आया है। मौसीकी की जहां तक बात है तो मौसीकी में भी लोगों ने, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि उसके साथ हिंदी का लफ्ज है ना बलात्कार, मौसीकी के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसा कि मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, देखिए मौसीकी क्लासिकल जो जहां तक उसका है, ये ऐसा है जैसे कि हमारे लिए जरूरी है, मतलब गेहूं चावल दालें ये सारी चीजें हमारी बुनियादी चीजें हैं, और बर्गर कोल्ड ड्रिंक चाउमिन ये कितने दिन खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते ज्यादा दिन, आप दो चार दिन तो खराब कर देंगे के लिए, मुझे एक रोटी खिला दो या दाल खिला दो, अब मैं नहीं खा सकता। शास्त्रीय संगीत या अगर आप खाएंगे भी तो उसके रिजल्ट बहुत मतलब गलत आने वाले, गलत आएंगे, गलत रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये कि वो ऊब जाएंगे आप। आप देख लीजिए ना कि कोई भी गाना एकदम तेजी से आता है फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन राग भैरवी आज भी राग भैरवी है साहब, राग यमन ही आज भी उसके वही सुर हैं, जब कोई गाने वाला अच्छे तरीके से उसको गाता है तो रूह तक जाता है। मेरा मकसद क्या, ये हमारी बुनियादी चीज है। इस तरह से आज का जो मौसीकी है
वो कोई गाना 15 दिन चलेगा, महीना चलेगा, 2 महीने के बाद कहेंगे यार हटा उसको, अब दिल्ली चाह रहे प्यार नहीं है जिसको सुरसे, प्यार नहीं है जिसको सुरसे, वो मूर्ख इंसान नमूने के तौर पर ये मैंने आधार। बहुत शुक्रिया।
ये आपकी अपनी कंपोजिशन था जी? नहीं नहीं, ये मेरी कंपोजिशन नहीं है, लेकिन ये उस्तादों की पाकिस्तान पाकिस्तान की वेरी गुड पाकिस्तान की। वाह वाह वाह। अब तो मैं देखता हूँ कि कोई भी आदमी जिसको गाना आता है वो समझता है मैं गवैया हूँ, जिसको कुछ बजाना आता है वो समझता है कि शादींदा हूँ। लेकिन आपको मतलब अभी जो इसका जो बिल्कुल हकीकत है वो उसको अगर आप दो चार लफ्जों में बयान कर देंगे कैसे गवैया हो सकता है और क्या उसको होना चाहिए बेसिकली, कितना टाइम? बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी मुझसे। देखिए क्या होता था, जब हम सीखते थे अपने वालिद से और हम उन्होंने कोई सरगम सिखाई या कोई तान सिखाई, अब हम उसको कह रहे हैं नहीं अभी नहीं हुआ फिर से कहो, क्या हुआ? तो हम झुंझला जाते थे कि यार हम तो ठीक कह रहे हैं, ये हमें क्यों टोक रहे हैं? अब दो दिन, चार दिन, छह दिन, आठ दिन, पंद्रह दिन, एक महीना उसी नहीं अभी ठीक नहीं हुआ फिर से कहो, फिर से कहो। एक दिन आके हाँ उन्होंने कहा आज तूने बिल्कुल ठीक कहा, तब होगा। तब हमारी समझ में आया कि यार ये तो सही कह रहे थे, वाकई हम गलत कह रहे थे। गलत में पता चला कि हाँ सही में पता चला कि वो कितना गलत, वो कितना गलत है यार, अब समझ में आई। तो ये जो पेशन और जो जो कुव्वत बर्दाश्त शागिर्द की होना चाहिए, सब्र, तब जाके कहीं वो उस जगह तक पहुंचता है। क्या बात। सा आपने भी कहा, सा मैंने भी कहा, लेकिन मैंने जब सा कहा तो ये लगा कि यार क्या बात है, मजा आ गया। आप कह रहे हैं वो बात नहीं बन रही, वो क्या है, रियाज है, पूरी जिंदगी का। मेरे वालिद अल्लाह बख्शे उस्ताद शाह हुसैन खान साहब अक्सर फरमाते थे कि मैं भी शागिर्द करके किसी को उससे चिराग जलवा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पैदा होते ही मुझे मुझे दे दिया जाए बच्चा, मैं परवरिश करूंगा उसके, दुनिया की हवा नहीं लगने दूंगा, नमाज रोजा ये वो और रियाज। क्या बात। बोले मैं जलवाऊंगा चिराग। वाह वाह वाह। अब ये दुनिया की हवा झूठ सच ये वो दुनिया, लेकिन अल्लाह का करम जिस पे होता है वो करता है साहब, वही करम है जिसकी बदौलत हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद यह है कि जब तक सांस है परवरदिगार ये करवाता रहे। और जो भी वो फनकार जो अपराइजिंग है उनको भी मैं यही कहूंगा कि मेहनत, और सबसे बड़ी बात क्या कि असातिज़ा की इज्जत करना। पहले उस्ताद के यहाँ चले गए, उस्ताद ना तो कोई पैसा ले रहा है, खुद खाना भी वही खिला रहा है, रग भी वही रहा है, लेकिन उसकी खिदमत आपको उसकी उस्ताद की करना है, करना पड़ेगा। पहले कहते जूतियां सीधी करना, जूतियों में बैठना, जूतियों में बैठना। तो ये जिन लोगों ने ये सब स्टेजेस पार कर ली वो उस्ताद मुशाक हुसैन खान बन गए। क्योंकि अगर मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा कि इनके उस्तादों ने इनके साथ क्या क्या किया, हैरान हो जाएंगे आप। इन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं, वो सेक्रीफाइसेस किए हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। एक आध जरूर बताइए कि लोग आसानी समझ रहे हैं, बहुत आसान समझते हैं लोग इन सब चीजों को। मैंने अर्ज किया ना, इनकी खुद की जुबानी उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब की, ये जब 10 साल के थे तो इनायत हुसैन खान साहब के बड़े भाई उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब जनाब, वो आपको नेपाल, महाराजा नेपाल की यहाँ वो दरबारी गायक थे, अपने साथ ले गए वहां रहे। और वहां पे अपनी बहन से कह के कि भाई ये इसकी रूह बहुत अच्छी, मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इससे अच्छी क्या बात है भाई, सब ले जाइए। तो इनका कहना यह है कि एक साल तक उन्होंने सा नहीं कहलवाया मुझे, उनको चार घोड़ों की बग्घी मिली हुई थी तबेले में, बोले यहीं रहोगे, एक टाट बिछा लो, एक ओढ़ लो, और ये जो चने घोड़ों के लिए बोरों में भरे रखे, इतना बड़ा एक मिट्टी का प्याला दे दिया, इसमें चने डाल लो, नमक डाल लो, और उसके बाद में सुबह को पानी निथारो, नमक डाल के, और यही खाना है तुम्हें। तो एक साल तक ये सिलसिला चला, और घोड़ों की मालिश जो उसका सईस था, घोड़ों का जो देखभाल करता था, उसके साथ तुम्हें इसकी मदद करना है, आप मालिश करवाओ, हरारा लगाओ, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि एक साल तक साई नहीं कहलवाया, घर के काम कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, कुछ कोई नहीं, ठीक है अभी करते रहो। एक साल बाद अब ये 11 साल 10 साल के लिए गए थे, 11 साल के जब हुए ना तो कोई रिश्तेदारों में ही कोई आ रहा था सहसवानी, चुपके से उसके साथ बोले मुझे अम्मा की याद आ रही, ले चलिए, वो साथ में आ गए, सहसवान आ गए। सहसवान आने के बाद में माँ ने कहा कि क्या, अरे तू कैसे आ गया? बोले वो आ रहे थे, मैं उनके साथ आ गया। क्या सीखा? उन्होंने कहा मैं एक साहब ही नहीं कहलवाया। बोली ये बता कि तू वहां से आया कैसे? और क्या उनको बता के आया था भाई साहब को कि ना? अरे उन्होंने कहा ना, अब तू आया तो चार दिन रुक, अब कोई भी जाता होगा मैं फौरन तुझे भेजूंगी। उस्ताद के एक छोटे भाई थे, खट से उन्होंने दूसरे तीसरे दिन रवाना कर दिया कि भाई वो भाग गया मुश्ताक हुसैन, उसको लेके आओ। वो आ गए, आने के बाद उन्होंने उनसे पूछा
भाई तुम कह के आए थे? बोले नहीं वो आ रहे थे, मैं उनके साथ आ गया, अम्मा की याद आ रही थी, मुझे बुलाया है। तो माँ ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप ले जाओ इसको, और उनसे गुजारिश ये है कि मेरी तरफ से ये कर देना कि हड्डी है मेरी है, खाल आपकी है, खाल गिरा दो मारते मारते, हड्डी ना टूटे, इसको सिखाओ। जब ये दोबारा पहुंचे, क्लास लगाई, काम रहे थे, क्या हुआ क्या, वैसे चलो ठीक है। अब वो घर के अंदर काम करवाना शुरू कर दिया, फिर सिखाना शुरू किया। वाह, उस जमाने में शागिर्दों का पेशन देखा जाता था कि ये कितनी कुव्वतें बर्दाश्त है इसकी, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, तब कराते थे, तपाते थे उसको, तपाते थे। तब सोना निखरता है, ये वाली बात है। मैंने अरे एक से एक आपकी बात से, आपकी एक बात से बड़ा अच्छा ये लगा कि देखिए वहाँ उनकी जो घर की औरतें थी उनका भी कितना जबरदस्त रोल। बिल्कुल बिल्कुल, रात को अपने से जुदा करना। और अरे साहब कितना, और मैं बता दूं आपको, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हम सिखा रहे हैं शागिर्दों को, और हमारे घर में अंदर चलते फिरते वो कानों में पड़ रही है। अब वो शागिर्द रियाज कर रहा है, अकेला बैठा, उसने गलत किया, उन्होंने हट क्या करता है, ऐसे नहीं ऐसे है ये, और तो बता दिया, दोनों दीवार से सीखता है वो, ये समझिए। तो ये अल्लाह का एहसान होता है, और वो माहौल जो एक बनता है ना, तभी कलाकार भी बनता है, फनकार भी तभी बनता है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको साह भी कहना नहीं आता था, मेरे पास आए, अल्लाह का शुक्र है आज अच्छा खाना खाने लग गए, मैं सिखाता हूँ। और जो तरीके मेरे वालिद ने मुझे सिखाए हैं सिखाने के, उनके बारे में ये मशहूर था कि लकड़ी पे हाथ रखते तो वो भी गाने लगे, मेरे वालिद थे। ये सुना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम सिखाते हैं और अल्लाह कामयाबी दे देता है। वाह वाह, क्या बात, बताने का तरीका ये वो, ये सारी चीजें असातिज़ा से और जो बुजुर्गों से हम तक आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाए। वाह वाह, तो बस ये आपको आपको अल्लाह ने इन सब चीजों से अल्लाह ने नवाजा। चला फिर जब लोगों ने आपको सुना और सराहा जनाब, और उसके बाद आपको वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत अफजाई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी की अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मुझे पता है कि बेगम अख्तर, ये 2018 में हमारे मौजूदा जो मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ साहब, जी 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 जनाब, बहुत प्यारे इंसान हैं। जी जी, आप करीब से जब उनको देखेंगे तो वो उनकी शख्सियत कुछ और है। जी 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 जी, बताए नो, मैं जानता हूँ, मैं गोरखपुर से ही उनको जानता था। अच्छा अच्छा। खैर, ये कमेटी बैठी, पूरी ज्यूरी बैठी, उसमें लिस्ट होती है इतने ये सारे लोग अपीयर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, वो सब लोग बैठे तो उन्होंने कहा था ये इसके पात्र हैं, बिल्कुल सखावत हुसैन खान, इनको मिलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में योगी आदित्यनाथ साहब, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी ने, तो ये बेगम अख्तर अवार्ड होता है, बहुत बड़ी बात है जी। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज उन्होंने नवाजा था, और आने वाले वक्त में हो सकता है शायद परवरदिगार कुछ और भी यही मैं यहाँ आपने बुजुर्गों का दामन नहीं छुआ अल्लाह का एहसान, और खानकाह मेरे आके पीर मुर्शिद का करम है, मेरे बुजुर्गों की दुआओं का सदका है, ये आपका बड़ापन भी है साथ में। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत देर हो गई बातचीत करते हुए, एक कंपोजिशन गजल की जी बिल्कुल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो रिसेंटली मैंने बनाई है। क्या बात, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद होके ना आया, तो उसका एक मतलब और एक मोमिन का मोमिन की गजल, क्या बात, सुनाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने इसको गाया है बिल्कुल, लेकिन मैं अपने सामाइन के लिए मेरी कंपोजिशन हाजिर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah.
मधुमंती क्या बात है, मिश्र मधुमंती कह सकते हैं, और रूपक भजे क्या बात है, क्या बात सावंत भाई आपने बहुत बहुत आपका लिया, लेकिन एक दो बातें मैं और आपसे जी बिल्कुल आपको फरमाएं हाथ में तक ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक तो ये कि अब एक टाइम था जब हम सुना करते थे ऑल इंडिया रेडियो जो है जनाब वो एक पैमाना हुआ करता था जी, आर्टिस्ट के लिए जी, जी। और इत्तेफाक से आपके साथ में तो ये बड़ा खुशकिस्मती रहे कि आपके बड़े भाई अल्लाह उनको गरीके रहमत करे जनाब, वो वहां पर कंपोजर थे जब तक मुझे पता है। तो आपको जो एजाज ऑल इंडिया रेडियो से मिला, मेरे ख्याल से उससे बड़ा तो कोई एजाज अब है नहीं, बचा नहीं उनके पास बिल्कुल, वो टॉप है के बाद में कुछ बचता नहीं, टॉप रैंक के बाद कुछ नहीं है वहां पर। तो एक तो ये मतलब मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तहत ये बात कहना चाहता था कि लोगों तक ये बात पहुंचे, अब उसकी क्या अहमियत है। एक टाइम ये सुना करते थे अमिताभ बच्चन जब ऑल इंडिया रेडियो गए थे तो उनको फेल कर दिया गया था। जी हाँ जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो क्या स्टेटस हुआ करता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ये एक चीज बताना थी। जी हाँ जी। और दूसरी ये कि एक जो बिल्कुल पर्सनल सवाल है कि लोगों को नहीं पता है, मैं तो आपके साथ में आ रहा हूँ तो मुझे पता है आपके साथ में एक हादसा ऐसा हुआ जो कि मतलब अल्लाह ने आपको दूसरी जिंदगी बख्शी। जी अल्लाह का एहसान, मेरे मौला का और मेरे पीर मुर्शिद का करम है, मेरे बुजुर्गों की दुआ, अल्लाह ने आपको, आप सबकी दुआओं का, मेरे जो चाहने वाले हैं उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर। मैं तजस्सुस में नहीं रखना चाहता लोगों को, तो आप कुछ थोड़ा सा वो वाकया जरूर बयान कर दिए जिससे आप हम ये बताएंगे। उसके बाद अब जब आप जैसे ऐसा गा रहे तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रियाज क्या चीज होती है और दुआएं क्या चीज होती है,
कि इतना बड़ा हादसे के बाद आज अगर अब मैं आपको बताऊं लोगों को कि आप देखिए ऐसे गा रहे हैं, शायद अगर पहले बताता तो उस इंप्रेशन में सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना सुनने के बाद अब आप बताइए। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जिस वक्त के ये डिक्लेयर हुआ कि साहब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई अटैक नहीं आया था मैं, लेकिन इस बात का एहसास जरूर था मुझे कि हाँ भाई तकलीफ होती है, देख सकता हूँ तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं, अल्लाह मालिक है इसको करा लेंगे, अल्लाह पाक उतनी रकम फरहम करवा देगा तो कर लेंगे, ये था जहन में। मैं नागपुर गया हुआ था, ये 2 अक्टूबर 2016 की बात है। हमारे एक बहुत अजीज दोस्त, क्या बल्कि बड़े भाई हैं मेरे, किरण सिंह हाड़ा साहब, तो उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, फार्म हाउस के बाहर एक रोड है, रोड के दोनों तरफ उन्होंने पौधे लगाने का, 200 पेड़ लगाने का प्रोग्राम बनाया, और उसमें वहां के कुछ मिनिस्टर्स को लिया, कुछ डॉक्टर्स जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उनको लिया, और यहाँ से मैं और मेरी बीवी गए थे, एक पौधा उनको लगाना था, एक मुझे लगाना था। ये सारा जब हो चुका तो शाम को फिर फार्म हाउस के अंदर जो हाउस बनाया हुआ उन्होंने, बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा था, वहां पे मेरा गेट टुगेदर, सब लोग बैठे डॉक्टर से, तो कुछ कराओ के पे उन लोगों ने गाया, फिर बाद में मैंने गाया और बहुत बहुत मजा आया वहां। डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या वो भी भाई की ही तरह हैं, और उनका प्लाटीना हॉस्पिटल है, उन्हीं के हॉस्पिटल में जो जो बाईपास सर्जरी करने वाले थे डॉक्टर निकुंज पवार साहब, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अब उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल अलग फाउंड कर लिया है, और 8 तारीख को बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, मैं मजबूर था जा नहीं पाया, अदरवाइज उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी वहां पहुंचूं। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन परवरदिगार को मुझे दूसरी जिंदगी अतक फरमाना थी, करना थी, तो ये असबाब बना दिए। डॉक्टर प्रमोद मुंडा मुझसे कहने लगे, जब प्रोग्राम खत्म हो गया वो जाने लगे, तो बोले कि खान साहब कल आप सुबह हॉस्पिटल आ रहे हैं, वहां हम आपका रूटीन चेकअप करेंगे। चेकअप जब किया गया तो उसमें ये पता चला कि साहब जो 6 ब्लॉकेज हैं, घबरा गए देख के वो लोग, साहब अब तो बड़ा मामला गड़बड़ है। मैंने कहा था क्या होना है बताइए, बोले ऑपरेशन करेंगे, मैंने कर दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास डॉक्टर निकुंज पवार साहब उन्होंने किया। अल्लाह ऊपर तो अल्लाह पाक है ही है, लेकिन नीचे वो उस वक्त मेरे हकीकत ये है, जो डॉक्टर निकुंज पवार साहब, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और खास तौर से किरण सिंह हाड़ा साहब जो मेरे दोस्त, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये सारा उन्हीं का किया हुआ था, और आज मैं अगर सही मानो में आप पूछें तो मैं उन्हीं की बदौलत आज जिंदा बैठा हूँ, मेरा खुदा गवाह है। कौन कहता है कि साहब हम हिंदू और मुसलमानों में जो इस वक्त जो इंतशार पैदा कर दिया गया, बताइए बिल्कुल कितनी गलत बात है ये। किरण सिंह हाड़ा क्या मुसलमान है, डॉक्टर निकुंज पवार क्या मुसलमान है, जिन्होंने मेरी जान बचाई, मैं कैसे मान लूं कि हिंदू और मुसलमानों में तनाव है। ये एक अलग लॉबी है जो ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जो मैं आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको जो इसकी तकलीफ है, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो मुझे बड़ी तकलीफ है कि वो जो वो लोग जो उस टाइप के प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल वो गलत है। मैं सबूत के लिए मैं बैठा हूं, सबूत के लिए मैं बैठा हूं। मैं खैर बहरहाल, तो कहने का मकसद यह है कि उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त मैंने एक दुआ परवरदिगार से मांगी थी कि परवरदिगार मेरा ऑपरेशन होने के बाद मेरा गाना खत्म ना हो, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मुझे ऑपरेशन थिएटर से वापस मत लाना। ओह, लरस के मैंने नवेद भाई, मैं खुदा मेरा गवाह है, इस वक्त बड़ा वो हो रहा है। सही बात है, खैर अल्लाह करम फरमाए। मैंने लरस के दुआ मांगी थी कि परवरदिगार अगर मेरा गाना खत्म हो रहा है तो मुझे मौत, उसके बदले मुझे मौत ही दे दे तू, मेरा गाना खत्म नहीं हो, क्या बात, और अगर गाना तू नवाज रहा है तब मुझे जिंदगी अता फरमा, और परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। बेशक बेशक, उससे कहीं बेहतर परवरदिगार के करम से मैं गाने, मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये बात सही, अल्लाह का उसका एहसान है, ये मेरे परवरदिगार का अजीम, तो ये है अल्लाह की ताकत और परवरदिगार का करम। सही बात, मैं बस यही अर्ज कर, ये देखिए आप जो इश्क होता है ना, एक चीज होती है मोहब्बत करना, एक होता है इश्क करना। तो अपने काम से, अपने फन से, अपने बुजुर्गों से, अपने कल्चर से, अपने मुल्क से, अपनी कौम से जो मोहब्बत का जज्बा है,
वो आपने सारा एक उसका इम्तिजाज उसका एमालगमेंट जो आपने देखा एक जगह पे, तो सखा हुसैन साहब की जो शख्सियत है वो गंगा जमनी तहजीब की मतलब बहुत बड़ी मिसाल भी है। आपने कितने कैसे कैसे बच्चों को सिखाया यहाँ पर और हर तरह से उनकी उनको मतलब उनका ख्याल रखना उनके उनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह नवेद भाई माफ कीजिएगा मैं कथा कलाम कर रहा हूँ, मैं आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे तैयार हो तैयार अल्लाह का उसका एहसान। ये यहाँ तो आते ही लेकिन अब देखिए क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी है और मतलब ये किसी भी तरीके से लोग तैयार हो, लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते हैं लोग चार दिन में हम सुर आ जाए और पांच दिन हम गाने लगे, नामुमकिन बात है। तो नामुमकिन बात है। दूसरी बात ये कि सखावत भाई की लाइफ से और उनकी जिंदगी से ये सबक तो कम से कम हासिल किया जा सकता है कि हम नहीं समझते कि फिजिकली कितने भी आप वीक हो सकते हैं लेकिन मेंटली और जो एक जज्बाती तौर पर आपको जो एक विल है आपकी वो अगर मजबूत है तो आप रिकवरी भी करते हैं और उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर करके साबित करते हैं इस बात को। बस एक आखिरी बात मैं और बताना चाहूंगा बहुत ब्रीफ में, आप कैमरा थोड़ा सा करीब लाएं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये यहां मेरे आईब्रो पे एक निशान आपको नजर आएगा, ये देखिए ये आईब्रो पे एक निशान है जो स्टिचेस का है जो मेरे टांके लगे थे। राग बागेश्री का तराना मेरे वाले साहब मुझे सिखा रहे थे और उस तराने में एक चीज होती है तिरवट जिसमें तबले के बोल होते हैं, मैं उस तिरवट में बार बार फंस रहा हूं। छठी या सातवीं जब बार में फंसा तो तबला मिलाने की हथौड़ी रखी थी वो उन्होंने मेरे सर पे मारी ऐसे, तो मैं उसको बचाने के लिए जब मैं पीछे हटा तो बजाय सर के वो यहाँ पड़ी और ये यहाँ से फट गया, मैं ऐसे ही पीछे गिरता चला गया। ये 11 या 12 साल की एज थी, शागिर्द होने के बाद की बात है ये बताया। तो मैं इसी पीछे गिर गया तो अपने आप उन्होंने हाथ नहीं लगाया, अपने आप नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो बाप की जगह बाप थे लेकिन उस्ताद की जगह एक सख्त और एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको बोलना चाहिए कमांडो ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, कमांडो ट्रेनिंग नहीं जो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए बिल्कुल। तो ये मेरे खुद हाथ नहीं लगाया, बड़े भाई शुजात भाई चक्का के इसको लेके जाओ। अच्छा अच्छा, वो डॉक्टर ये डॉक्टर बतरा हुआ करते थे उस जमाने में कि हाँ वहां गए क्या हुआ कहले साहब गिर गया था तो चोट लग गई, खैर वो कॉटन वॉटन साफ किया, बोले भाई आंख बच गई, फिर ये स्टिचेस लगे और वो आज तक मैं नहीं भूला। वो थे वो क्या है वो याद है आपको? हाँ जी मैं क्या तराना है जिसमें मेरे ये चोट लगी थी और वो उसका जब मैं वहां से इंजेक्शन लगा और पट्टी बंदी और ये मुंह पूरा सूज गया, मैं नीचे दालान में पलंग के ऊपर लेटा हूँ और देख लिया कि हाँ अब इसकी हाँ हो कम हो गई, तकलीफ इसके कम होगी। तो मेरे पापा बोले हाँ क्या सिखा रहा था मैं तुझे? मैंने कहा साहब ये धाकर तक धूमकर तक धिकर तक तिरकर तक धक्की गणान गिनगणान धागलान धारा, बोले आप तो जिंदगी में नहीं भूलेगा, अब बता तकलीफ कैसी है? मैंने कहा सब कम है। इस तरह से हमने सीखा है। आज के दौर में माफ कीजिए वो पेशन ना तो स्टूडेंट्स में है और ना मतलब ये कि जो असातिज़ा हैं उनको, मैं खुले लफ्ज में बोल रहा हूं, उनको पैसा बनाने की ज्यादा फिक्र है, फनकार बनाने की नहीं है। मैं खुदा ना करे किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अक्सर बेशतर मुझे इस टाइप के असातिज़ा दिखते हैं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे शागिर्द हैं मेरी कोशिश ये होती है कि ईमानदारी से उनको उनके उनका हक उन तक पहुंचाए। तो ये बस हमारी जिंदगी का सवाल भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम जनाब जनाब बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल,
क्या कहते हैं? बिल्कुल हकीकत यही है साहब, और ये मौजू ऐसा है कि हम अगर एक आध महीने भी इस पर बातचीत करते हैं तो शायद खत्म नहीं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये वक्त तो एक ऐसी चीज है कि जो उसको हम बेरहम भी कह सकते हैं कि यूं तो मिले वो मुझको बहुत बड़ी मुद्दतों के बाद, यूं तो मिले वो मुझको बड़ी मुद्दतों के बाद औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। वाह वाह वाह, ये ताहिर फराज शेर है। क्या बात, तो हकीकत यही है कि वक्त जो है वो लम्हा लम्हा चल रहा है। जी फरमाए। मैं ये अपने दर्शकों से चाहूंगा कि अब इसके ऊपर क्या आपकी राय है, खास तौर पे सखावत भाई ने जो ये बड़ा जो टॉपिक है वो तो हम लोग बड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन देखिए जिंदगी में कोई भी चीज बहुत आसान नहीं होती है। ये बताया सखावत भाई ने कितना मुश्किल है, और आपको इतना आसान तरीके से पेश कर दिया जाता है उसको सजा के। वो जो जैसे हम कुक होता है ना, वो पीछे किस तरीके से तैयारी करता है, खाना बनाता है, आपको तो खुशबुएं और मिलती हैं और खूबसूरत से खाने मिलते हैं। इसी तरीके से गाना के पीछे क्या हो रहा होता है, स्पर्धा के पीछे क्या तैयारी, उसकी लाइफ गुजार के वो वहाँ आता है। आप तो एक छोटी सी बात कहते हैं यार मजा नहीं आया, और या इस तरह, तो ये एक चीज, और सब कुछ इन सब चीजों के बावजूद उसके दिल पे क्या गुजरती है या क्यों? इसलिए कि वो कहते ना कि सुनना भी तो आना चाहिए हमारे पास सामीन वो मौजूद है कि नहीं है, तो ये तो रूहानी चीज है। और हम कोशिश करेंगे इस तरह के कुछ इंटरव्यूज आपको और आगे भी उससे मुतारिफ कराते रहे ऐसे आर्टिस्ट लोगों को। बहुत बहुत ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।